नमस्कार दोस्तों, इंडिया पोस्ट ऑफिस रिक्रूटमेंट 2024 तो 8वीं पास के लिए सुनहरा मौका है दोस्तों। जो है इंडिया पोस्ट में भर्ती निकली है, तो चलिए जान लेते हैं आवेदन की अंतिम तिथि क्या रहेगी। पूरी डिटेल जानेंगे। अभी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाकर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूले दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, भारतीय डाक विभाग के द्वारा अलग अलग प्रकार के पदों के लिए भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इन पदों के लिए योग्यता 8वीं पास रखी गई है। वही आवेदन फॉर्म 30 अगस्त को शाम 5 बजे तक भरे जाएंगे। तो इसके तहत मोटर व्हीकल मैकेनिक और इलेक्ट्रिशियन, टायरमैन, ब्लैक स्मिथ और कारपेंटर के पदों पर जो है आवेदन फॉर्म मांगे गए हैं। तो इंडिया पोस्ट ऑफिस भर्ती आवेदन शुल्क, इस भर्ती के लिए जो है आवेदन शुल्क सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 100 रुपये रखा गया है, जबकि अन्य वर्गों के लिए कोई भी आवेदन शुल्क नहीं है। शुल्क का भुगतान भारतीय पोस्टल ऑर्डर के माध्यम से करना होगा। इंडिया पोस्ट ऑफिस भर्ती आयु सीमा की बात करें तो इस भर्ती के लिए कम से कम आयु सीमा 18 वर्ष और अधिकतम 30 वर्ष तक आयु की गणना 1 जुलाई 2024 के अनुसार होगी। इसके अलावा जिन भी वर्गों को सरकार से आयु सीमा में छूट प्राप्त है, उन सभी को आयु सीमा में छूट दी जाएगी। इंडिया पोस्ट ऑफिस भर्ती शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो इस भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से 8वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। इसके अलावा संबंधित क्षेत्र में न्यूनतम 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए अथवा अभ्यर्थी संबंधित ट्रेड में ITI का डिप्लोमा होना चाहिए। अभ्यर्थी के पास में मोटर व्हीकल्स मैकेनिक पद के लिए वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस में होना चाहिए आपके पास। इंडिया पोस्ट भर्ती के लिए चयन प्रक्रिया क्या रहेगी? तो इस भर्ती के लिए सभी अभ्यर्थियों का चयन जो है ट्रेड टेस्ट, एक्सपीरियंस, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन के आधार पर किया जाएगा। इंडिया पोस्ट ऑफिस भर्ती वेतन की बात करें तो इसमें चयनित अभ्यर्थियों को पे मैट्रिक्स लेवल 2 के तहत 19,900 रुपये से 63,200 रुपये तक वेतन दिया जाएगा दोस्तों। तो इंडिया पोस्ट ऑफिस भर्ती आवेदन की बात कर लेते हैं तो डाक विभाग भर्ती के लिए सभी अभ्यर्थियों को ऑफलाइन आवेदन करना होगा। इसके लिए नोटिफिकेशन को पूरा अच्छे से पढ़ लेना है। इसके पश्चात आवेदन फॉर्म को डाउनलोड करके इसका प्रिंटआउट निकाल लेना है। अब आवेदन फॉर्म में जो भी जानकारी मांगी गई है उसे सही सही भरना है और अपने जरूरी आवश्यक डॉक्यूमेंट्स फोटोकॉपी करके फॉर्म के साथ लगानी है। इसके पश्चात आवेदन फॉर्म को एक उचित प्रकार के लिफाफे में डालना है और नोटिफिकेशन में दिए गए एड्रेस पर इस आवेदन फॉर्म को जो है भेजना है। ध्यान रहे, आवेदन फॉर्म अंतिम तिथि के दिन या उससे पहले पहुंच जाना चाहिए। जो नोटिफिकेशन है दोस्तों वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे और व्हाट्सएप पे मिल जाएगा दोस्तों, तो वहाँ से आप जो है डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। आवेदन फॉर्म जो है शुरू की जो डेट है मैंने बताई है, 1 अगस्त 2024 से स्टार्ट हो चुके हैं 1 अगस्त से, ठीक है, जो जो कि आपका 30 अगस्त तक चलने वाले हैं, तो आप आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।